गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ अपनी करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। पति देव का थोड़ा फर्श ढीला करवाना है, दिखाइए सकल। शॉपिंग करवाने जा रहे हो? जी बिल्कुल। खुशी हो रही? दुख हो रहा है? दुख की क्या बात है? नहीं नहीं, जेब से पैसे कितने खर्चे होंगे अभी तो जाने के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, तो हम चलते हैं फिर। तो गाइस, मैं ये सुनार की दुकान पे आ चुकी हूँ। अभी मैं ये अपनी पायलें चेक कर रही हूँ, कौन सी मुझे अच्छी लगी है, कौन सी पसंद है। सामने ही मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये वाली अच्छी लग रही है, तो ये वाली मैंने फाइनल मतलब कर ली है। और उसके बाद में मैं ये बिछुए देख रही हूँ पैरों के लिए, इससे पायल से ही मतलब मिलते जुलते ले रही हूँ, ताकि इसमें मैच कर सके। जो मेरी पायल है उसमें डायमंड के नग काफ़ी सुंदर हैं। और ये देखिए, ये मंगलसूत्र चेक कर रही थी बट मैंने अभी ख़रीदा नहीं है। तो ये हम शॉपिंग करने के लिए आ गए हैं, मेन मार्केट में आ गए हैं हम। तो काफ़ी कितने अच्छे लग रहे टमाटर देखने, उतर गए हम तो टमाटर ले रहे हैं। इतनी भीड़ है ना, तो इस बाजार में इतनी भीड़ रहती है, किसी भी टाइम आ जाओ, ऑल टाइम इसमें इतनी भीड़ रहती है। होली दिवाली जो भी कोई फेस्टिवल आता है, इतनी भीड़ रहती है, इतनी शॉपिंग होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ का ये सदर बाजार है। तो मैं अभी ये बिंदी देख रही थी, बिंदिया देख रही हूँ पर मैंने रेड कलर लिया है मैंने बिंदियों के लिए। और ये शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए थे हम लोग, तो भूख भी लगना स्टार्ट हो गई थी, तो छोले भटूरे खा रहे थे रास्ते में ही। तो ये बोल रहे हैं गाइस आ जाइएगा, आप भी खा लीजिएगा, और साथ में मैं भी खा रही हूँ। यहाँ के छोले भटूरे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो जिस दिन हम शॉपिंग के लिए गए थे सैटरडे को, उसी दिन मेरे सुबह वैक्सीन लग चुकी थी, क्योंकि करवा चौथ थी संडे की और सैटरडे मेरी वैक्सीन लग चुकी थी। ये हमारे चांद नवाब रात को हमें मेहंदी लगा रहे हैं। एक हाथ में मैंने खुद से लगा ली थी और दूसरे हाथ में हमारे चांद नवाब लगा रहे हैं। कीप तो अच्छे से चलाने लगी। ये देखो हमारी मेहंदी लग के कंप्लीट हो चुकी है। एक में मैंने दिन में ही लगा ली थी, अच्छी लग रही है ना। तो साथ ही साथ हम करवा चौथ की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है करवा चौथ और आज है 24 अक्टूबर, तो आज के दिन की है करवा चौथ। तो आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ। और गाइस, मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने कल ना वैक्सीन लगवा ली करवा चौथ से एक दिन पहले, तो मेरे हो गया फीवर और मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है। और फीवर इतनी तेज हुआ था कल रात को, तो आज तो बिल्कुल भी हालत बिल्कुल डाउन है और चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं मुझे सुबह से। और दवाई मैंने कल तो ले ली थी बट मैं आज ले नहीं सकती, आज क्योंकि फास्ट है मेरा। तो थोड़ी सी माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ कि थोड़ी सी एनर्जी दे। मैं सब लोग बोल रहे थे फेस्टिवल हो जाए उसके बाद लगवा लेना वैक्सीन, और मैंने सोचा तो चल लगवा ले, कुछ नहीं होता। क्योंकि कई बार सोच रहे थे अब लगवाएंगे अब लगवाएंगे, देखो वैक्सीन के कारण ही आँखों पर सूजन भी आ गई है, पता ना कैसा सही हो गया है मेरा तो हाल। फास्ट तो रहना पड़ेगा ना। और ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रहती है ना, ये मैंने लगाई थी। और ये देखिए, ये हमारे चांद नवाब ने लगाई थी रात में, हल्की सी वीडियो शूट करी थी, ये हमारे चांद नवाब ने लगाई थी। ये मैं करवा चौथ के लिए तैयार हो रही हूँ। और ये देखिए मेरे घर का हाल कैसा हो रहा है आसपास। और ये देखिए हमारा टीका वीका सब सेट हो चुका है, और ये मैंने सेट डाल लिया है गले में, और ये हमारे चांद नवाब बिल्कुल पास से वीडियो शूट कर रहे हैं। मैंने गाइस, मैं ये पहन रही हूँ मेरी फेवरेट जुंगी, वो मुझे सेट के साथ के पसंद नहीं आए, कुछ हैवी है, मैं वेट ज़्यादा आए नहीं, तो मैं ये पहनूंगी, लाइट वेट है, ज़्यादा वेट भी नहीं लगता इनमें। तो गाइस, ये है मेरा आज का फाइनल लुक, जैसा मेरे से मेकअप आता था वैसे मैंने किया है। और
और जूड़ा वूड़ा बना के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। और ये फेस पे बिंदी लगाना भूल गई मैंने, अब देखा है, और चूड़ियाँ भी नहीं डाली हैं हाथों में। अब मैंने चेक करा मैं तो देखिए कुछ मिसिंग है। अब मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ और ये देखिए ये मेरा पूरा लुक है। फाइनली बिंदी लग चुकी है और हम लोग कहानी सुनने के लिए बैठ चुके हैं। और ये मेरी सासू माँ भी बैठी हुई हैं और ये अंशु देखो कैसे बैठा है, और ये मेरी फ्रेंड भी है इधर। तो हम लोगों ने ये जो मतलब करवा चौथ माता की चौकी भी सजा दी है, और ये मैं अभी सबके मतलब रोली का तिलक लगा रही हूँ, और ये बिंदी लगा दी मैंने रोली की, और उसके बाद में अपना पानी का करवा भर के रख दिया। और ये जो है एक अलग से होता है लोटा, और उसमें मैंने ये सतिये बना रही हूँ। हमारे यहाँ 5 सतिये बनाए जाते हैं लोटे पर, तो इस तरह से मैंने बना दिए हैं इस पे 5। और ये मिट्टी वाले करवे पे भी करने होते हैं जो रात को अर्क देते हैं, तो इस पे भी मैंने बना दिए हैं। जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, टाइम ले रही हो इतना। सब लगा रहे दीदी को टीका, मेरे को तो पहले ही लग चुका है। टीको लग रहा है गुइया, हैं गुइया पागल। क्या कर रही हो? साइड हटाओ, थोड़ी साइड हटाओ, मम्मी को शूट कर। चलो इसे ही शूट कर दो। पिछली बार भी तो लेके गए थे। ये मम्मी की प्लेट और ये आंटी की प्लेट। आंटी का मटका, मम्मी का है ये रहा, मम्मी का छोटा छोटा है इधर का। और ना थी है कि थी? और ले आना है थी? और तो बहुत सारी लिया, ले आ तो घास लगी। चलो ना हम अच्छी प्लेट कर लेंगे, एक दूसरे को पकड़ा देंगे। और क्या कर, और क्या बना? बेकार बेकार आओ, मेरे पास तो बहुत बेकार है। मैंने बनाऊंगी आज के लिए, मैं पंडित बनाऊ। और ये पढ़नी है कथा, पैरों में नहीं रखते किताब सब। सॉरी सॉरी सॉरी। ये हमारी माता श्री और ये आंटी, और ये हमारा आज का कैमरा मैन। चल मैं पढ़ रहा हूँ। और ये देखिए ये मेरी फ्रेंड के लड्डू गोपाल हैं, कान्हा और क्या नाम है, कान्हा और लड्डू नाम है इनका। एक तो मैंने इनको ला के दिए थे, मथुरा से ही खरीद के दिए थे मैंने, ये जो बड़े वाले हैं, और छोटे वाले इनके पास हैं। और कितनी खुश हो रही है गोद में लेके अपने लड्डू को, कान्हा अपना। की कहानी, एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्यों मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान क्षेत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा देकर व्रत खोला जाता है। कथा, एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और तो ये जो चावल कहानी सुनने के बाद में अपनी मतलब जो चुन्नी होती है उसमें बांध लेते हैं पल्लू में, तो ये मैंने बांध लिए हैं। और जब हम अपने चांद को रख देंगे उसी टाइम हम अपने चावल को भी पानी के साथ में बहा देंगे। और ये मेरी फ्रेंड ने भी बांध लिए हैं। और अब ये थाली एक्सचेंज करने की बारी आ गई। ऐसे कुछ होता है, ऐसी रिवाज भी होती है कि थालियाँ मतलब काफ़ी सारी लेडीज होती हैं जब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैं अपनी सासू माँ से आशीर्वाद ले रही हूँ, वो फ़ोन में लगी हुई थी। खाना वाना बना लिया है, अब ये मैं शाम की पूजा कर रही हूँ।
आठ पूड़ी बनाते हैं माता की और हलवा बनाते हैं साथ में, और ये मतलब जो भी मतलब खाना पूजा हुआ अपनी सासू माँ को देते हैं। और मैं रात के टाइम मतलब माता रानी की पूजा कर रही हूँ और भोग लगा रही हूँ करवा चौथ मैया की। बोल रही हूँ कि जैसे इस साल आई वैसे ही हर साल ऐसी इसी तरीके से आना। और वैक्सीन के बाद मेरी तबीयत काफ़ी डाउन सी लग रही है, मेरे से वॉइस ओवर भी नहीं हो पा रहा अच्छे से। और ये इस तरह से करते हैं हमारे यहाँ तक पूजा। और ये सारा सामान मतलब पूजने के बाद मैं अपनी सासू माँ को दे दूँगी। तो गाइज अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और हमारा हो चुका है पोपट। इतने ज़्यादा बादल निकले हुए हैं कि आज चांद ही नहीं निकला। और मम्मी बेचारी 10:30 बजे तक बैठी रही, चांद अब निकलेगा कब निकलेगा। पर अब हम सूर्य ये महाकाल के चांद को देख के रख देंगे और बस व्रत खोल लेंगे मम्मी। वैसे इधर निकल चुका है गुड़गांव में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास मैंने कॉल किया था, इन्होंने बोला था कि चांद निकल चुका है तुम भी दे दो। गला बैठ गया है बिल्कुल। तो ये मैं पूजा कर रही हूँ और हवा इतनी तेज़ चल रही है, बारिश काफ़ी तेज़ हुई है यहाँ पर और बारिश के बाद हवा भी चल रही है, पता नहीं दिया जलेगा। चांद का कहीं भी नाम निशान नहीं है। ओए चांद है क्या? नहीं ये एरोप्लेन है, चांद नहीं है, चांद है ही नहीं कहीं। तो ये दिया जला रहे हैं हमारे पति देव, बोल रहे हैं कि जल जाएगा दिया, पर हवा इतनी तेज है, कोशिश जारी है दिया जलाने की। जल जा जल जा जल जा, फाइनली जल तो गया है ये, पर हवा काफ़ी तेज थी। और ये पूजा और अंशु पूरे मज़े ले रहा है, बोल रहा है कि आपका दिया जलेगा या नहीं जलेगा, मन की जला के छोड़ेंगे हम। और ये ले लिया हमने अपना कलश ले लिया है, तो हम ये अपने चांद को अब अर्क दे देंगे। और ये जो मैंने चुंदड़ी ऑर्डर की है ये मेरी शादी टाइम। पापा एकदम चांद दिखा रहे मम्मी को। तो ये हमारी पूजा हो चुकी है, हमने फ़ोन में श्री चांद की पूजा कर ली। अब हमारे पति देव खड़े हैं, उनको भी देख लिया जाए इस चलनी के अंदर। तो पहले हम इनको वो मतलब तिलक लगा देंगे, ऐसे पूजा करनी चाहिए, चांद की होगी तो अपने पति देव की भी करनी चाहिए, यही होता है असली करवा चौथ का महत्व। अरे तू पटाक के बाद में ही फोड़ लिए। मम्मी आपको पानी पी के कैसा लग रहा है इतनी दिन इतनी देर बाद? खिलाओ भी तो लग रही, निकल जाओ खिला दो। जैसे अब क्या आई एक बार पोपट हुआ वो चलता है, पर जब मम्मी ने सब कुछ कर लिया जब चांद निकल चुका है। गंदी बेइज्जती करवाई ना मेरी, मैंने बोला था मुझे ना पता। सब काम तेरे पापा की वजह से हुआ, एंडिंग नहीं कर पाई ना मैंने
चांद को अर्ग देने के बाद मैं नीचे आई, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका था, क्योंकि जब मैंने अर्ग दे दिया मुझे डाउट था कि हल्का हल्का चमक रहा है वो चांद ही है, हल्की सी लाइन थी पर उसमें रोशनी थी वो अलग थी, चांद के टाइप की रोशनी थी। और मेरे पतिदेव ने, एक तो मेरी वैक्सीन लगी थी सैटरडे में, तो मेरी तबीयत थी वो ऑलरेडी खराब थी, फीवर भी था, तो मेरे पतिदेव की भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी बोला कि भाई तुम्हारे फीवर है तो तुम जल्दी से दे दो। और यहाँ तो कुछ लोगों ने तो 8:30-9 बजे तक अर्क दे दिया, वेट करके 9:30 लास्ट था, तब भी मैंने 10:30-11 बजे तक वेट किया चांद का। और जब नहीं निकला मैं क्या करूं, बट हल्के से दर्शन तो हो गए थे चांद के पर ज्यादा नहीं, तो मैंने चांद देख लिया था हल्का सा, उसके बाद ही पानी पिया, बट पूरी पूजा जो है मैं चांद देखने के बाद नहीं कर पाई, तो इस वजह से मेरा दिमाग अपसेट बहुत ज्यादा हो चुका था। रात को मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी और तबीयत तो मेरी अभी भी थोड़ी खराब है। तो आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।